शासकीय कामों की तरह अब शासकीय स्कूल भी राम भरोसे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दतिया के स्कूलों में। जब कलेक्टर संजय कुमार स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्कूलों से शिक्षक ही नदारद हैं। इस पर कलेक्टर ने काफी नाराजगी जताई। स्वच्छता और कुपोषण में दतिया को अव्वल होने का खिताब मिल चुका है। अब शिक्षा में दतिया को नंबर वन बनाने के लिए कलेक्टर संजय कुमार स्कूलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लगभग एक दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की है। कलेक्टर दतिया जिले के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे तो लगभग 20% शिक्षक ही उपस्थित मिले, बाकी शिक्षक स्कूलों से नदारद थे। कलेक्टर संजय कुमार ने जहां स्कूली बच्चों को नियमित स्कूल आने के लिए कहा तो वहीं स्कूलों से नदारद मिले शिक्षकों पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये शिक्षक बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की इस कार्यशैली से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले कुछ शिक्षकों ने गुट बनाकर कलेक्टर के खिलाफ गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर गृह मंत्री ने शिक्षकों से साफ कहा था कि आप नियमित रूप से स्कूल पहुंचे, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है तो हम कलेक्टर को समझाइश देंगे। मिली थी कि MLB स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में लोग समय से नहीं आते। मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से 12 बजे तक की होती है और इसलिए ध्यान में था मेरे कि एक दिन मैं जाऊंगा। तो आज मैंने अपने कुछ अधिकारियों को गया और मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे तो सब समय से आ जाते हैं बट टीचर समय पे आते नहीं हैं। अभी भी आज ही मैंने देखा कुल 20 शिक्षक और स्टाफ होने चाहिए जिसमें अभी 12 लोग नहीं आए हैं समय से, जबकि हम कल और उसके पहले का बीते दिनों का जब हाजिरी देखा तो सारे लोग का हाजिरी लगा हुआ है। इसका मतलब है सब लोग बाद में आकर के लगाते हैं। मेरा मानना है कि टीचर्स को एक एग्जाम्पल फिक्स करना चाहिए समय पे, अनुशासन का, पाबंदी का, जिम्मेदारी का। ये बच्चों से पहले आना चाहिए और बहुत ही पुनीत काम है, बहुत ही आकर्षक काम है। इसको समय पे आकर के और बहुत ही नियमित काम है जिसको प्लान बहुत अच्छे से किया जा सकता है अपनी दिनचर्या में। तो मेरे लिए ये बड़ा दुखद है कि जो बच्चे हैं इनका अरमान, इनका लक्ष्य, इनका टारगेट, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसको ट्रूली हृदय से मैं इसको कि इनकी लाइफ में कोई नुकसान ना हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।